Sunday on a Saturday. बोलना मत अब तो लंदन में नहीं रिवरडेल में हो oh. रिवरडेल को भी याद रखना चाहिए ना कि वेरोनिका इस बार दीपक हमारी हिस्ट्री है तो सा ट्रीज दैट्स व्हाई वी ग्रोन अप ओ भाई अभी तक डाउनलोड नहीं की यार तुमने हर चीज भाई मैंने डाउनलोड जरूर कर ली है लेकिन देखिए देखो देखो डाउनलोड की होती ना तो मुझे लिंक आ जाता

मतलब हो गया हो गया आप अपने घर पर दावत कर रहे हैं किसे बुलाएंगे बुलाओगे ना तो भाई इस फिल्म में पैसा किसका लगा है अख्तर का जोया अख्तर का पैसा लगा है ना तो भाई जोया अख्तर की मर्जी ना कि वो किसको ले वो क्यों ले किसी आ, इंडियन आइडल के जीतने वाले को उसने ठेका लिया हुआ है उसकी मर्जी वो जिनके साथ कंफर्टेबल है उनके साथ फिल्म बनाएगी ना और ये जावेद अख्तर इनके जो हल्का एहबाब है दैट इज यही श्रीदेवी अमिताभ बनाते थे तो ऑडियंस तो के लिए भाई उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए बनाई है आपको कोई तकलीफ है तो नेटफ्लिक्स पे तो ऑडियंस मौजूद है 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 ठीक ऑडियंस देख रही है। तो हमें हमें तो, तो सही दिखाओ यार कम कम से क्या हमें, मतलब वही वो अमिताभ का नवासा शाहरुख की बेटी बिल्कुल सही बिल्कुल सही सबसे ज्यादा तो शाहरुख की बेटी पे तनकीद हो रही है कि उसने एक्टिंग बहुत बुरी की है भाई अच्छे बुरे का फैसला तो उस वक्त होता है जब कंपैरिजन के लिए कोई चीज हो शाहरुख की बेटी की दूसरी फिल्म माने थे अगर उसमें उसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर कर लिया तो क्या वो ये कहेंगे कि ये रोल अच्छा है या ये उसने अच्छी अदाकारी की है देखो नेपोटिज्म का तो सबका ही मसला है चमकी पांडे की अच्छी वाली बेटी है लोग चढ़े बैठे रहते हैं कि उसे एक्टिंग नहीं आती मैंने उसकी ज़्यादा फिल्म नहीं देखी पति पत्नी और वो हाँ, देखी उसमें थी। बहुत मशहूर एक्टिंग की थी उसने उसमें हाँ, सही थी। जो उसका रोल था वो बिल्कुल सही बैठी उसमें मुझे ये मसला नहीं है कि वो कारतिकारी को नहीं लिया आपने इसकी जगह बड़ा नाम है वो लेकिन वो किसी का रिश्तेदार नहीं है अमिताभ के नवासे ने बहुत अच्छा काम किया अच्छा देख लिया मैंने देख ली है मैंने मैं दो दफा देखी है बहुत अच्छे हैं उनके ओके और एक गाना जो है इसका वो पुडिंग उससे तो मेरे घर वाले चिड़ गए हैं इतनी बार सुना है मैंने न न जाने किस मैं। जाने किसके मैं कौन है मेरे लिए अच्छा हमने ऐसी जज्बात में ट्वीट कर दिया कि प्लम पुडिंग जो है इट रिमाइंड्स मी ऑफ ओपीर एंड मोहम्मद रफी अब मुझे पता ही नहीं कौन गा रहा है अगले दिन मैं मिला हूँ साथ से मैं यार साथ ये अंकित तिवारी कौन है मैं उसने रीट्वीट किया अच्छा हाँ नहीं वो तो बड़ा सिंगर है हाँ और मुझे क्या पता यार मैं हाँ। तो नहीं सुनता ना इंडियन गाने आजकल के आज तो गाने हैं ही नहीं अब ना वो तो बस ऐसे ही हैं जिंगल्स हैं वो तो मैं उसने वो, वो किया गाना बहुत अच्छा है बिल्कुल जैसे आपको वो याद आ जाए जवानी ये मस्त हाँ। मस्त बिन पीजे शम्मी कपूर भाई नाइनटीन दिखा है ना हुँ, हुँ, तो के दौर हाँ। मैं चूंकि पुरानी फिल्में देखता रहता हूँ तो ये एक फिल्म जो मुझे पुराने वक्तों में ले जा रही है ये देख मुझे ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ प्रोडक्शन डिजाइन बहुत अच्छा है इसका बहुत अच्छे हैं और इसमें चार पांच फिल्मों के मैं नाम लेता हूं आपने यकीनन सारी ही देखी होंगी जैसे नया दौर में था ना के उसमें ट्रक और घोड़े की रेस हुई तो वो सिविलाइजेशंस का टकराव था जिसको हम बाद में हमने लगान में भी देखा कि वो भी क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशनस था वो एलिमेंट आपको इसमें मिलेगा सही है दिल चाहता है कि इतना कूल cool वो चीजें मिलेंगी आपको एक लड़का है वो टू टाइमिंग कर रहा है किसी और को पटा रहा है मुक्का खा लिया उसने आमिर खान जैसे थे हुँ, उसके बाद आपको इसमें रंग बसंती ओके दोस्ती यारी दोस्ती यारी वो मिलेगी उसके बाद आपको इसमें आ जाना चलेगी इतना मिलेगा हेरिटेज कुछ बचा रहे हैं ग्रीन पार्क को बचा रहे हैं वो अपने

आर्ची एंड्रयूज क्लमजी था और कन्फ्यूज था इसमें वो क्लमजी नहीं है इसमें बहुत ही वो दिखाया है कि कॉन्फिडेंट सा सिंगर है और ये वो कॉन्फिडेंट है कॉन्फिडेंट एंड कन्फ्यूज वो वाली चीज़ है रेजिमेंटल आर्ची का आर्च होता है जो आर्ची नहीं होता है वो वो होता है आर्ची मिडिल क्लास से होता है वो अमीर होता है आर्ची दो दो लड़कियाँ जो उसके है उसके आगे पीछे होती हैं वो भी चाहता है कि उसके साथ नहीं हो वो गाड़ी नई नई गाड़ियों में घूमता है उसके पास पैसा बहुत होता है और वो क्रिएटिविटी उसकी आखिरी चीज़ होगी अगर होगी कोई उसके पास यहाँ उसको दिखाया कि वो अखबार में अपने अब्बा के आ, आर्टिकल लिख रहा है और बहुत अच्छे लिखता है जोक्स मारता तो है काफ़ी चीज़ें डिफरेंट भी की वो था बेटी और बेरोने का श्रीदेवी की बेटी शाहरुख खान की बेटी जब तक आप इनकी अलग फिल्म नहीं देखेंगे इनकी जिसमें इन्होंने कोई अलग काम किया हो तब तक कैसे कोई कह सकता है कि ये बेकार है या नहीं खैर पहली फिल्म में तो किसी को आप इस तरह से लेवल नहीं कर सकते आप और आप चेड़े किस बात के बैठे हो भाई वो बॉलीवुड है आपका उससे तो कोई ताल्लुक भी नहीं है पैसा बहुत खर्चा किया इन्होंने इतना पैसा खर्चा किया है कि आप हमारे यहाँ पाकिस्तान आप... में सोच भी नहीं सकते में भी बहुत पैसा खर्च किया था वैसे सारे मौजूद थे सारे आ गए तो सबको आना था लेकिन मेरा ख्याल है सुना है कि हमारी हुकूमत हमें शायद एक अरब रुपए दे रही है इंडस्ट्री को हमारी उनकी रिबिंग के लिए वो शायद एक अरब से ज्यादा एक अरब इंडियन एक अरब वो खर्च कर चुके हैं इस फिल्म पे तो अब आप सोच लीजिए कि फिल्म क्या होगी पैसा सही खर्चा किया नुकसान में रहा नहीं खास इसको ये एंड करते मैं देखूंगा इन शाला बेफिक्र देख लीजिएगा आप <laughs> और मुझे ईमेल आ जानी चाहिए कि फैसल अलबी ने डाउनलोड कर लिया है ठीक है ठीक है ठीक है डन है